या फिर आप हैंड रेस कर दीजिए इसका आंसर बताने के लिए एक बार आप बता देंगे फिर उसके बाद आए चल दी आंसर पैसेज में यहाँ पर समझाया था आपको कि ये क्वेश्चन जो है आपको पैसेज में सारा चीजें मिल जाएंगी ठीक है तो व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द इंडियन एजुकेशन सिस्टम ये आपके पैसेज में लिखा था द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच इट है आपके जितनी भी प्रॉब्लम है आपके इंडियन एजुकेशन सिस्टम में उससे सबसे ज्यादा आपका जो अगर कुछ प्रॉब्लम सिस्टम में वो है आपका ग्रेडिंग सिस्टम सो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर हो जाएगा पोअर ग्रेडिंग सिस्टम ठीक है क्वेश्चन नंबर टू वट आर द स्टेप्स दैट कुड बी टेकन बाई द स्कूल फॉर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन यहाँ देखिए इस पैराग्राफ में ये चीज मेंशन है कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर मस्ट नॉट ओनली फोकस ऑन रैंक्स एंड ग्रेड्स बट ऑन दी एनालिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग ऑफ द चिल्ड्रन यानी कि हमें सिर्फ ग्रेड और रैंक पे नहीं ध्यान देना है ये सिर्फ नहीं देखना है कि वो फर्स्ट आ रहा है या वो नाइन्टी परसेंट ला रहा है ये भी देखना है कि वो किस तरीके से प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर रहा है कितना आ, आ, अलग अलग इनोवेटिव वेज अगर वो खोज रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तो ये सारी चीजें हमें डेवलप करनी है तो डेवलपमेंट के लिए अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट बोल रहे हैं या फिर ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो हमें रैंक और ग्रेड के साथ साथ एनालिटिकल और क्रिएटिव स्किल्स चाहिए लेकिन यहाँ पर सिर्फ डेवलपमेंट की बात की जा रही है यानी कि जो चीज ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके अलावा आपको क्या चाहिए आगे बढ़ने के लिए तो फोकसिंग ऑन रैंक एंड ग्रेड हम ऑलरेडी कर रहे हैं ठीक है हमारा जो फोकस है वो रैंक और ग्रेड पे ऑलरेडी है किस चीज पे हमें फोकस करना है एनालिटिकल एंड क्रिएटिव स्किल्स सो आंसर क्वेश्चन आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर टू विल बी ऑप्शन बी ठीक है जिसने आंसर किया है वो मैच कर ले सारे आंसर नहीं किया है तो आप सीख ले कि क्या क्या चीजें आपने यहाँ पर पढ़ा था उसके पैसेज के अकॉर्डिंग कैसे आंसर करेंगे आप क्वेश्चन नंबर थ्री अकॉर्डिंग टू इज आयरनिकल अबाउट द इंडियन एजुकेशन सिस्टम आयरनिकल का मतलब होता है जो चीजें आप एक्सपेक्ट करते हैं वैसी आपको मिलती नहीं है ठीक है? मान लीजिए कि मैं पर मैंने जो असाइनमेंट आपको दिया, ठीक है? एटलीस्ट वो स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे असाइनमेंट बना के देंगे अब मान लीजिए कुछ स्टूडेंट मेरा पर्टिकुलरली हर क्लास अटेंड तो कर रहा है लेकिन उसने असाइनमेंट बना के नहीं दिया देन आयरॉनिकली दिस सिचुएशन वुड बी आयरॉनिकल बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल द स्टूडेंट आर अटेंडिंग द क्लास टू सबमिट मी दी असाइनमेंट बट कुछ स्टूडेंट अटेंड तो कर रहे हैं बट यहाँ असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रहे क्वेश्चन का आंसर so यहाँ पर आयरनिकल मतलब ऐसा सिचुएशन क्या है क्या ऐसी चीज है जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम से एक्सपेक्ट की जाती है सोचा जाता है कि वो ऐसा हो सकता है लेकिन वो ऐसा है नहीं दैट मीन्स ओल्ड येट नॉट डेवलप ये आपका आयरनिकल सिचुएशन है क्यों आयरनिकल है क्योंकि हमारा इंडियन एजुकेशन जो कि पहले ही पैराग्राफ में लिखा गया है सबसे पुराने एजुकेशन सिस्टम्स में से एक है उनमें से होने इतना पुराना होने के बावजूद यहाँ पर जो सिस्टम है वो डेवलप नहीं है अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं अभी भी बहुत सारी ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि पुराने जमाने के हिसाब से या पुराने ओल्ड एज के हिसाब से चल रहे हैं उन्हें रिनोवेट नहीं किया गया है तो दिस मीन्स दैट ओल्ड है तो इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये बहुत ज्यादा डेवलप हो ये बहुत ज्यादा अच्छा हो लेकिन ये ओल्ड है लेकिन ये डेवलप नहीं है सो क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर इज इज ऑफ द द फॉलोइंग फैक्टर्स फॉर क्रिएटिंग बैड एनवायरमेंट इन क्लासरूम अगर हम लॉजिकली इस आंसर को खोजते हैं लॉजिकली रीजनिंग रीजनिंग के हिसाब से हम यहाँ पर ये यह क्वेश्चन जो है इसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे तो ये चारों ही ऑप्शन यहाँ पर पॉसिबल हैं लेकिन यहाँ हमारा अगर हम पैसेज पढ़ेंगे तो पैसेज में क्लियरली लिखा गया है की टू सेव मनी द स्कूल हायर टीचर्स दैट आर नॉट क्वालिफाइड इनअ दिस क्रिएट्स वेरी बैड क्लासरूम एनवायरमेंट एंड लर्निंग सो क्लासरूम का एनवायरमेंट क्या चीजें खराब कर रही हैं अनक्वालिफाइड टीचर्स ठीक है फिफ्थ क्वेश्चन uh, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है दैट इज स्टेट द एंटोनेम्स ऑफ द वर्ड्स परप्लेक्स परप्लेक्स का मतलब होता है कि जब आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं किसी चीज को लेकर आप समझ नहीं पा रहे हैं उसे कैसे सोल्यूशन किया जाए और बहुत ही ज्यादा परेशान है सोल्यूशन को लेकर बिबिल्डर का मतलब होता है जब आप कंफ्यूज हैं कोई ऐसी सिचुएशन जो शायद आपको इन्वॉल्व नहीं करती है ठीक है मान लीजिए दो लोगों में आपस में झगड़ा हो रहा है वो हो सकता है दो आपके दोस्त हैं या बेस्ट फ्रेंड्स हैं या फिर कोई भी आपके क्लासमेट्स है जो आपके सामने झगड़ा कर रहे हैं लेकिन आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो आप कंफ्यूज हैं कि कैसे दोनों को हम छुड़ाया जाए कैसे झगड़ा इनका खत्म किया जाए आप बस कंफ्यूज हैं आप उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे तो इस सिचुएशन को बेबिल्डर कहेंगे एक्सप्लीसिट का मतलब होता है जब आप इस तरह कोई चीज समझा रहे हैं या फिर कोई इस तरह कोई चीज समझ रहे हैं जब आपको कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट नहीं है तो उस सिचुएशन में आप उसे एक्सप्लिसिट लिखेंगे Porturbed का मतलब होता है जब आप कंफ्यूज होते हैं लेकिन बहुत ही इनोसेंट वे में ठीक है जब आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आसपास क्या चल रहा है आपको पता नहीं चल रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. उस तरह का जो कंफ्यूजन आपका होता है दैट इज पॉर्टर्ब कन्फाउंड का मतलब होता है अच्छा सरप्राइज ठीक है मान लीजिए कुछ अच्छा हुआ लेकिन आपने उम्मीद नहीं की थी तो आप कंफ्यूज हैं कि मेरे साथ इतना अच्छा कैसे हो गया या फिर मान लीजिए कि कोई दोस्त कोई ऐसा पर्सन है आपके क्लास में जो हमेशा आपको चढ़ाता रहता है हमेशा आपको परेशान करता रहता है और अचानक एक दिन आपकी उसने हेल्प कर दी दैट मीन्स यू आर उस सिचुएशन में आप सरप्राइज होंगे आप कंफ्यूज होंगे कि आखिर ये पर्सन मुझे इतना परेशान करता था फिर भी इसने मेरी हेल्प क्यों की ठीक है उस सिचुएशन में आप कंफाउंड वर्ड यूज करेंगे सो so द म ऑफ दर्ड परिसिड क्योंकि बाकी सारे वर्ड में आप कही कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं लेकिन ऑपोजिट मीनिंग होता है दैट इज की यहाँ पर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है सो एक्सप्लेट इज योर एंटोनेम फॉर द परप्लेक्स अगर कोई डाउट है पैसेज वन में तो यू कैन आंसर अदरवाइज पैसेज टू को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी दस मिनट uh, एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि ये पढ़ने मैंने दिया था तो मुझे आंसर इसका मिलना चाहिए सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो भी गिवन है वो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बट बिफोर दैट आप पैसेज एक बार अगर रिवाइज करना चाहते हो तो वो पैसेज रिवाइज कर लीजिए आपके पास ग्रुप में वो पैसेज जो है गया हुआ है ठीक है तो इफ यू वांट टू रिवाइज यू कैन गो पैसेज ठीक है सेकंड पैसेज मेरे ख्याल से हमने नहीं किया था राइट और राइट तो सेकंड पैसेज आपने कितने लोग पढ़ के आए हैं जरा हैंड रेस करिए तो सेकंड पैसेज जो है वो कितने लोग पढ़ के आए हैं जिन्होंने एटलीस्ट एक बार रीड किया था ये सारी चीजें जो यहाँ पर लिखी हैं इन सभी चीजों को जो रीड करके आए हैं कम से कम क्योंकि ये पासेज मैंने आपको कल ही भेज दिया था आपके मैंने बोला भी था कि आपके ग्रुप में और आपके नेक्स्ट क्लास में भी यही चीज़ चीज़ सेम चीज पढ़ाई हो रही है मैंने दोनों ग्रुप में भेज दिया था कोई ऐसा स्टूडेंट जो एटलीस्ट पढ़ के आया है ये पैसेज नहीं पढ़ के आए हो तो आई एम गिविंग यू

हम प्लास्टिक के बैग्स यूज करते हैं प्लास्टिक का कंटेनर यूज करते हैं प्लास्टिक के कवर यूज करते हैं हर जगह लाइफ में कहीं कही ना कहीं हम लोग प्लास्टिक बैग्स यूज कर रहे हैं प्लास्टिक से बनी हुई चीजें यूज कर रहे हैं और प्लास्टिक को इसीलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि जो इको फ्रेंडली सब्सटीट्यूट है यानी कि प्लास्टिक के कुछ भी कंट जो चीजें आ रही हैं उसके जगह पे अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जो कि सेम चीज़ है लेकिन एक अलग मटेरियल से बना है इको फ्रेंडली मटेरियल से बना है इको फ्रेंडली का मतलब ऐसा मटेरियल जो जो आपके जो भी मटीरियल है या फिर जो भी लैंड है, है? उसमें हो जाए, ठीक है? उसके कंपोनेंट्स जो हैं, वो कुछ साल बाद पूरे केमिकल कंपाउंड जिससे वो बना हुआ है वो सभी डिस हो जाए अलग अलग हो जाए और धरती में समा जाए ठीक है उससे हम कहते हैं इको फ्रेंडली Decompose हो जाने वाली चीजों को हम इको फ्रेंडली कहते हैं तो इको फ्रेंडली जो सब्सिटी अगर हम बैग यूज कर रहे हैं तो जूट के बैग आते हैं कॉटन के बैग आते हैं लेकिन हम उन्हें यूज नहीं करना चाहते हैं अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको दूं, तो अगर आप ठेले पे सब्जियां लेते हैं तो वहां पर आपको प्लास्टिक बैग के लिए चार्ज नहीं किया जाता है आपको सिर्फ सब्जियों के दाम देने होते हैं और उसी में वो प्लास्टिक का Uh, जो भी प्लास्टिक uh, बैग वो देता है वो फ्री में ही दे देता है या इतना कम लेता है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि आप उसके लिए पैसा दे रहे हैं इफ यू गो टू अ मॉल बहुत सारे मॉल्स में प्लास्टिक बैन हो चुका है तो प्लास्टिक में अगर आप मॉल में जाते हैं वहां से आप सामान लेते हैं और वहां से आप बैग भी लेते हैं तो वो बैग्स जो आपको मिलते हैं दैट आर समाइम्स यू गेट अ जूट बैग ठीक है या समटाइम्स आपको कार्डबोर्ड के बैग मिलते हैं ये सारी चीजें जो हैं ये इको फ्रेंडली है And क्योंकि ये इको फ्रेंडली मटेरियल से बनता है तो इसका देने पड़ते हैं लेकिन इतना पैसा भी आपको बहुत ज्यादा लगता है क्योंकि प्लास्टिक बैग आपको फ्री में मिल रहा है कई जगह ठीक है तो प्लास्टिक बैग का फेमस होने का या प्लास्टिक का यूजेज अगर फेमस हो रहा है तो वो इसलिए क्योंकि वो ड्यूरेबल है बहुत लंबे समय तक चलता है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल है अलग अलग तरीके से यूजफुल है और उसका प्राइस जो है वो बहुत ही कम है रिगार्डिंग एनी आप कितना भी चीप सामान इको फ्रेंडली बना लीजिए आप प्लास्टिक जितना चीप उसे नहीं बना सकते हैं ठीक है प्लास्टिक का जितना पैसा लगता है बनाने में वो सारा पैसा जो है इतना चीप बिकता है क्योंकि उसका मटेरियल जो है वो सारी चीजें आपको आसानी से मिल जाती हैं लेकिन बाकी सारे चीजें जो बनती हैं आपके कॉटन हो गया चाहे जूट हो गया इन सभी को प्रोसेस करने का पैसा आपको अच्छा खासा देना पड़ता है क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है बाकी सब चीजों के लिए हालांकि प्लास्टिक बनाने के लिए भी बहुत सारे ऐसे चीज यूज करने पड़ते हैं जो कि यहाँ पर आपके लिए आप सोचोगे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको कहीं और जगह लगाया जाए लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग प्लास्टिक का इतना डिमांड है कि वो उस चीज को बनाने में हम कुछ भी यूज करने के लिए तैयार हैं ठीक है सेकेंड चीज यहाँ क्या डिस्कस की जा रही है कि इतना यूजिलिटी होने के बावजूद इतना पॉपुलर होने के बावजूद इतना यूजफुल होने के बावजूद प्लास्टिक जो है वो हमारे लिए और हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है पहला रीजन कि वो क्यों हमारे लिए खतरा है पहला रीजन इसलिए क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होता है नहीं होने का मतलब ऐसा नहीं कि कभी नहीं होता है लेकिन बहुत ही ज्यादा टाइम लगाता है अगर हमें प्लास्टिक डिकम्पोज करना है एक छोटे से कैप को अगर एक पतल, छोटा सा बॉटल आप ले बॉटल के कैप को ले उस कैप को डीकंपोज होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर हजारों साल लग जाएंगे तब जाके कहीं वो शायद डीकंपोज हो इसका कहने का मतलब ये है कि डीकंपोज करने में आपको इतना टाइम लगता है कि 1965 में जो स्वीडिश कंपनी थी जिसका नाम सेलोप्लास्ट था जिसने पहली बार प्लास्टिक बैग बनाया उस तरीके का प्लास्टिक बैग जो अभी हम लोग अभी रियल लाइफ में सबको यूज करता है उस तरह का पहला प्लास्टिक बैग उसने बनाया था और वो सारे प्लास्टिक बैग जो है वर्चुअली अभी भी एग्जिस्ट करते हैं वर्चुअली का मतलब हो सकता है कि वो प्लास्टिक बैग जो है फटवट गए हो टुकड़ा हो गया हो लेकिन उसका जो केमिकल बॉन्डिंग है वो अभी तक उसी तरह प्रेजेंट है वो डिकम्पोज नहीं हुआ है ठीक है सेकेंड मेजर इश्यू क्या है इसका थ्रेट होने का कि ये क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग में इसका बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि पॉली या पॉली ये सारे जो पॉलीमर्स होते हैं जिनको कंपोज करके या जिनका कंपाउंड बना के हम प्लास्टिक बैग बनाते हैं ये सभी नेचुरल गैस या फिर पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं तो हम फॉसिल फ्यूल को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करते हैं फॉसिल फ्यूल यानी कि नेचुरल गैस और पेट्रोलियम इन सभी को एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक प्रोसीजर से गुजारा जाता है, जाता है है यानी कि केमिकल रिएक्शन करवाया जिसकी वजह से पॉलीमर्स या कंपाउंड बनते हैं जैसे कि पॉलीप्रोप्लीन और पॉलिथीन बनता है जिससे हम प्लास्टिक बनाते हैं और इस पूरे प्रोसीजर में ग्रीन हाउस गैसेस इप्ट होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो हमारे यूनिवर्स में बहुत जगह पाई जाती हैं जो कि हार्मफुल हैं हमारे लिए इसीलिए हमारे इन्वायरमेंट में एक ओजोन लेयर है जो कि बाहर से जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उन्हें अंदर नहीं आने देता है लेकिन क्योंकि ये प्रोसीजर धरती के ऊपर ही चल रहा है यानी कि फॉसिल फोसेफॉइल का एक्सट्रैक्शन हो रहा है उसका प्रोसेस करके उसको केमिकल रिएक्शन करवा कर हम प्लास्टिक बना रहे हैं और ये प्रोसीजर में जो ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं ये आपके ओजोन लेयर के अंदर यानी कि हमारे अर्थ के एनवायरमेंट के अंदर हो रहा है तो हम अंदर से अपना जो ओजोन लेयर है वो खराब कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस इराप्ट करके ठीक है एंड क्योंकि हमारा ओजोन लेयर खराब हो रहा है इसीलिए हमारी ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है इसका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का मतलब ये है कि वो चीजें जो हमारे अर्थ के एनवायरमेंट से बाहर रहनी चाहिए वो अब अर्थ के एन्वायरमेंट के अंदर एंटर कर पा रही है क्योंकि ओजोन लेयर खराब हो चुका है थोड़ा कहीं कहीं से बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से वो अच्छी तरह वर्क नहीं कर रहा है वो प्रिवेंट नहीं कर पा रहा है उन चीजों को रोक नहीं पा रहा है जो हमारे इन्वायरमेंट में नहीं आनी चाहिए ये इकोनॉमिकली भी बहुत खराब चीज है कि आप एक ऐसे रिसोर्स को पेट्रोलियम और नेचुरल गैस या फिर फॉसिल फ्यूल जो है वो ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है जिसका मतलब कि वहां पर वो रिन्यू नहीं होगा यानी कि अगर वो खत्म हो गए तो उनको हम अपनी लाइफ में वापस नहीं ला सकते यानी कि अभी जितने इंसान जिंदा हैं वो अगर जि, जिस दिन ये पैदा हुए हैं उस दिन तक वो उनके डेथ के टाइम में भी हम इतना टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि वो फॉसिल फॉइल्स को वापस ला सके फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं या फॉसिल जो न, जो भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो या तो आपको दोबारा मिलेंगी नहीं या दोबारा मिलेंगी तो इस तरह नहीं मिलेंगी जैसे हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है एनवायरमेंट में तो हम एक ऐसी चीज को जो दोबारा हमें नहीं मिलेंगी खत्म कर रहे हैं या खर्च कर रहे हैं उस चीज के लिए जो हम शायद एक दिन या आधे दिन भी यूज नहीं करते हैं अच्छे से अगर आपने यहाँ पर एक टॉफी खाया है चॉकलेट खाया है उसका रैपर जो है वो प्लास्टिक है वो प्लास्टिक का रैपर आप कितने दिन रखते हैं बिल्कुल भी नहीं रखते हैं ठीक है आप यही कचड़े में जाता है वो सारा प्लास्टिक बिस्किट का पैकेट हो गया या फिर आपके जो मान लीजिए आप थालियां भी लेके जा रहे हैं ठीक है अगर आप सब्जी लेने जा रहे हैं तो वो जो प्लास्टिक बैग आपको सब्जी में मिलेगा ठीक है वो बहुत ज्यादा तो हो सकता है कि किसी के घर में कचरा फेंकने के लिए उसे यूज किया जाए लेकिन बहुत ज्यादा तो वो एक दिन से दो दिन आपके घर में रहेगा उसके बाद उसे फेंक दिया जाता है यानी कि इतने शॉर्ट यूज के लिए जो सामान बन रहा है उसे हम इस चीजों से बना रहे हैं उन चीजों से बना रहे हैं जो अगर खत्म हो गए तो दोबारा हमारे पास नहीं आएंगे जो कि इकोनॉमिकली अच्छा नहीं है हमारे किसी के लिए भी पूरे वर्ल्ड में किसी के लिए भी ये इकोनॉमिकली अच्छा नहीं है पैसों के लिए हमारा अच्छा नहीं है नेक्स्ट थिंग ये हमारे लैंड और वाटर को भी बहुत ज्यादा पॉल्यूट करता है ये अगर कहीं भी कचरा में आप फेंक देते हैं कचड़े में अगर आप फेंकते हैं प्लास्टिक बैग को तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही जगह पड़ा रह जाता है या फिर वो वैसे ही रह जाता है वो बहुत ही लाइट वेट होता है जहां भी पड़ा रहेगा वो गंदा जैसा ही लगेगा ठीक है क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पर वेजिटेबल फेंके हैं ठीक है कोई वेजिटेबल फेंका है तो वेजिटेबल आपका डिकम्पोज हो सकता है ठीक है हो सकता है थोड़ा टाइम लगे लेकिन वो डिकम्पोज हो जाएगा लेकिन प्लास्टिक बैग डीकम्पोज नहीं होता है वो वहीं के वहीं वैसा पड़ा रहता है तो वो गंदा दिखता है प्लस इतना हल्का होता है कि अगर हवा उड़ा के ले जाए या फिर पानी के बहाव में वो बह जाए तो वो उसके साथ ही एक जगह से दूसरी जगह इधर उधर जाता रहता है और जहां भी जाएगा वो कचरा बना के रहेगा उसे गंदा दिख गंदा दिखने लगा है जहा गंदा दिखने लगता है जहां से भी वो पड़ा जहां भी चला जाता है वहां पर वो गंदा बना देता है उस एरिया को नेक्स्ट थिंग वो वाटर को किस तरह यहाँ पर पोल्यूट कर रहा है ओशियंस जो है हमारा जितना भी कचरा होता है कहीं ना कहीं से मिला जुला के उस सब चीज को इकट्ठा करके हम ओशियन में ही डंप करते हैं, ओशियन में ही फेंक देते हैं जो हमारा हवाई और कैलिफोर्निया एक ऐसी जगह है ठीक है जहां बीच है यानी कि समंदर और लैंड ओशियन और लैंड मिलते हैं ये दोनों जगह पर हवाई और कैलिफोर्निया और इनके बीच एक ऐसा एरिया है जिसे ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच कहा जाता है यानी कि यहाँ पर दुनिया का सबसे ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट जो है फेंका जाता है अक्यूमुलेशन का मतलब यहाँ पर फेंका जाता है वहां पर इकट्ठा करके रख दिया जाता है ठीक है अक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा करके रखना तो यहाँ पर हम रखते नहीं है यहाँ पर हम ओशियन का जो पैच है यहाँ पर वहां पर सारा कचरा जो हमारा प्लास्टिक है वो सारा जाकर यहाँ पर फेंका जाता है और अगर यहाँ पर पहले सतह पे वो फ्लोट करता है क्योंकि वो लाइट वेट है तो वो अंदर नहीं डूबेगा वो सतह पे उसके सरफेस पे ओशियन के सरफेस पे फ्लोट करता है अगर सरफेस पे फ्लोट करता है तो ये बहुत ही खतरनाक होता है उसकी अंदर के ऑर्गेनिज्म के लिए लिविंग थिंग्स जो ओशियन के अंदर रहते हैं उनके लिए बहुत ही खतरनाक होता है कैसे खतरनाक होता है जो ओशियन में जो जीव जंतु रहते हैं वो हम लोगों की तरह उन्हें भी सनलाइट चाहिए होती है लेकिन अगर प्लास्टिक आप वहां पर फ्लोट कर रहा है सरफेस पे तो प्लास्टिक क्या करता है सनलाइट को अंदर पेनिट्रेट नहीं करने जाता है वो वहीं से रिफ्लेक्ट करके कहीं और चला जाता है तो जिसकी वजह से अंदर जो भी प्लांट्स हैं अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको सनलाइट नहीं मिल पाती है ठीक है सेकेंड थिंग उससे भी ज्यादा डेंजरस होता है अगर जो प्लास्टिक है वो ओश, ओशियन के अंदर चले जाए अगर वो पानी के अंदर जा रहा है तो और भी ज्यादा डेंजरस होता है क्योंकि कितने सारे मेराइन एनिमल्स होते हैं कितने सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उन्हें खा लेते हैं खाना समझ कर प्लास्टिक को वो खाना समझ के खा लेते हैं जो सी टर्टल है उनका नेचुरल फूड है जली फिश ठीक है वो नेचुरली जली फिश को खाते हैं लेकिन वो जेली फिश और प्लास्टिक बैग में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो उड़ता हुआ मतलब वो फ्लोट करता हुआ पानी में एक जैसे दिखते हैं उसे तो वो प्लास्टिक बैग को खा लेते हैं अब क्योंकि प्लास्टिक बैग तो वो डाइजेस्ट कर नहीं सकते क्योंकि वो डाइजेस्ट करने वाली चीज भी नहीं है ना ही उनका सिस्टम ऐसा बनाया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि वो प्लास्टिक को डाइजेस्ट कर सके तो वो कहीं पर उनके प्लास्ट उनका डाइजेस्टिव ट्रैक जो है उसी में किसी भी ऑर्गन में जाकर वो अटक जाते हैं जिसकी वजह से अगर वो मान लीजिए गले में जाके अटक गए तो वो सफोकेट करके वो ऑर्गेनिज्म जो है है वो मर जाता है। अगर वो अंदर पेट में रह गए या कहीं पर साइड में किनारे में चिपक गए किसी ऑर्गन के वॉल पर तो वो इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है जिस इंफेक्शन की वजह से वो ऑर्गेनिज्म मर जाता है अगर वो कहीं ट्रैक में जाकर एक मतलब मान लीजिए इंटस्टाइंड में जाकर वो एक जगह पूरा फंस गया तो ना तो वो ऑर्गेनिज्म खाना खा पाएगा ना ही एक्सक्रीट कर पाएगा जिसकी वजह से उसकी अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी ठीक है और ये सारा चीज सिर्फ मराइन लाइफ पे ही इफेक्ट नहीं करता है वो ऑर्गेनिज्म जो आ, जो हैिज्मइन लाइफ के ऑर्गेनिजम पे या फिर जो मेरा समंदर में पाए जाने वाले या पाए, पानी में पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उन पे फीड करते हैं ये चीजें उनको भी इफेक्ट करती हैं ठीक है फॉर एग्जांपल अगर हम ठीक है कंटामिनेटेड फिश को खा लेते हैं यानी कि ऐसी मछली जिसमें कोई कोई ऐसा आ, आ, कोई ऐसा यहां पर पार्टिकल पाया जा रहा है या फिर कोई ऐसा चीज उसने कंज्यूम कर लिया है ठीक है कुछ ऐसा उसने खा लिया है फिश ने जो कि हमारे हेल्थ के लिए खराब है तो उस फिश ने कहा अगर हम उस फिश के मीट को खाते हैं तो वो पॉलिमर्स वो जो केमिकल कंटेन uh, कंटेनमेंट contain, है जो uh, खराबी है जो इम्प्योरिटी है जो वहां पर गंदगी है वो केमिकली उसके मीट में चला गया है जो कि अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हम पर भी उसका सीरियस हेल्थ इफेक्ट पड़ता है मान लीजिए कि यहाँ पर ये दो चीजें अगर हम इंजेस्ट कर लेते हैं अगर कोई फिश है जिसके केमिकल कंपाउंड्स यानी कि जिसने कोई ऐसा चीज खाया है जिसमें पी यानी कि पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं या फिर पीसीबीज यानी पॉलीक्लोरोनेटेड पॉलीक्लोर पाया जाता है तो हमें हाई चांसेस है बहुत सारे चा, हमारे चांसेस जो होते हैं कैंसर हो जाने के वो बहुत हद तक बढ़ जाते हैं ठीक है तो ये सारी चीजें जो है ये प्लास्टिक वेस्ट की वजह से होता है तो ये आपका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था अबाउट एवरीथिंग दैट इज मैंशन इन योर अब क्वेश्चंस जो हैं वट ऑफ विच ऑफ दॉलीन पॉलीन जो होता है वो किस कॉम्पोनेट से बनता है तो यहाँ पर बैग सच एस पॉलीप्रोप्लीन एंड पॉलीथिल पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस ठीक है, है? जैसा कि बहुत बच्चों ने आंसर किया भी है नेचुरल गैस और पेट्रोलियम से हमारा पॉलीप्रोप्लीन बनता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दैसेज आर द रीजन फॉर डिग्रेडेशन ऑफ ओशियन ये सारी चीजें जो है ये ओजोन लेयर की डिग्रेडेशन की वजह है ठीक है अगर हम इनको लॉजिकली देखें तो ये चारों रीजन है जिसकी वजह से ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रहा है डिग्रेडेट हो रहा है लेकिन हमारे पैसेज में लिखा गया है एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फॉइल की वजह से यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेज इरप्ट हो रही हैं, जिनकी वजह से ओजोन डिप्लीट हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आई होप एवरी वन इज लिंग केयरफुली अगर कोई डाउट होगा तो यू कैन can... मतलब जो समुद्र के अंदर जो लिविंग थिंग्स हैं ठीक है जो पानी के अंदर जो भी लिविंग थिंग है जो भी पेड़ पौधे उग रहे हैं पानी के अंदर या फिर जो भी मछलियां हैं जो भी क्रिएचर्स पाए जाते हैं पानी के अंदर उन्हें मेराइन लाइफ कहते हैं ठीक है

तो यहाँ पर देखो पहला जो ऑप्शन है देर आर नो डेंजर नो डेंजर तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि अगर हम कंटेमिनेटेड चीज खा रहे हैं अगर हम कोई ऐसी चीज खा रहे हैं जिसमें यहाँ पर केमिकल इंप्योरिटीज हैं तो वो इफेक्ट करेगा ही हम पर ह्यूमन बींग बिकम वॉल टू वाटर डिजीज वाटर डिजीज यहाँ पर क्या क्या है हमें डिस्कस नहीं किया गया पैसेज में वाटर डिजीज करके कोई भी चीज लिखी नहीं गई है तो हम इस चीज को आंसर नहीं कर सकते हैं

ये logically correct answer है लेकिन पैसेज में ऐसा लिखा नहीं है कहीं प्लास्टिक बीइंग वेरी थिन गेट अक्यूमलेटेड ऑन देम अक्यूमलेटेड का मतलब जैसे बताया जमा हो जाना तो वो प्लास्टिक बैग जो है वो खुद से जमा नहीं होता है वो विंड और वॉटर के थ्रू वहां पर कैरीड करके ले जाया जाता है people litter around pathways on फ्रांसिस इसमें कंफ्यूज मत होना लिटर का मतलब होता है पड़ा रहना या फिर फेंक दिया गया या फिर वहां पर खड़ मतलब रखा गया है एक तरह से अजीब जगह पर तो पीपल अगर वहां पर अलग-अलग जगह पे खड़े हैं या फिर बैठे हुए हैं तो वो आपके पाथवेस को गंदा नहीं बनाते हैं प्लास्टिक बैग्स जो कि कैरर्ड अवे हो जाता है विंड और वाटर के थ्रू तो उस वजह से यहाँ पर आपका जो फेंस है या फिर पाथवेज है वो अगली लगता है फेंस का मतलब होता है जो बाउंड्रीज आप अपने घर के आगे लगाते हैं ठीक है चाहे, चाहे आप लकड़ी के या कार्डबोर्ड के यहाँ पर कार्डबोर्ड नहीं सॉरी लकड़ी के पट्टे से आप यहाँ पर बाउंड्री बना रहे हैं या फिर सीमेंट से आप बाउंड्री बना रहे हैं वो बाउंड्री जो आप अपने घर के आसपास बनाते हैं अगर आप लकड़ी स्पेसिफिकली यूज करते हैं तो उसे फेंसेस कहते हैं अगर आप लकड़ी नहीं यूज करते हैं तो उन्हें बाउंड्रीज कहेंगे ठीक है फेंसेस मतलब जब आप लकड़ी से वहां पर आ, या फिर आ, जो मोटी आ, या वुड है वुड का एक मोटा पट्टा लगाकर वहां पर बाउंड्री बना रहे हैं तो उससे fences कहेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव प्रैक्टिकली में सफेक्स क्या है सफेक्स अगर मैंने नहीं बताया है तो अभी बता देती हूँ सफेक्स का मतलब होता है जब एक ऐसा वर्ड जिसका डिक्शनरी मीनिंग है एग्जिस्ट करता है और उसके आगे आप कुछ एडिशनल लगा देते हैं आगे यानी कि उसके पीछे बाद में ठीक है जैसे कि रन हो गया रन का मतलब होता है भागना यानी कि इसका डिक्शनरी मीनिंग एग्जिस्ट करता है तो अगर इसके आगे मैं रन लगा देती हूँ एस लगा देती हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक तरह से अः वी फाइव फॉर्म कोई कोई बोलता है को या कोई बोलता है तो इसको यहाँ पर रनस अगर लगा देते हैं तो एस जो है यहाँ पर आपका सफिक्स है यानी कि वर्ड के बाद जो लगता है तो प्रैक्टिकल एक वर्ड है जिसका डिक्शनरी मीनिंग है जिसमें एल वाई सफिक्स लगा है ठीक है अगर किसी को कंफ्यूजन है तो बता दूं अगर आप ए एल एल वाई निकाल देते हैं तो हमें प्रैक्टिस लिखना पड़ेगा जिसके लिए ई एड करना पड़ेगा इसीलिए वो ऑप्शन हम चूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको एडिशन कर सकते हैं आपको वो लेटर्स निकालने हैं जिसके बाद जिसको निकालने के बाद आपका वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग जो है बचा रहे तो एल वाई को अगर हम निकालते हैं तो उसके बाद प्रैक्टिकल बच जाता है जिसका एक, एक मीनिंग है। have, होता है क्या सफिक्स मतलब सुफिक्स? जो वर्ड के आगे लगता है ठीक है जो वर्ड के जैसे प्रैक्टिकल एक वर्ड है जिसका डिक्शनरी मीनिंग है तो उसके आगे हमने एल वाई लगा दिया और इसका मीनिंग जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं सफिक्स एनी अदर क्वेश्चन ओके नहीं है डाउट तो लेट्स डू वन थिंग पैसेज मेरे पास और एक है लेकिन वो बहुत उसका डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा है तो उसको मैं सेंड तो कर दूंगी